दर्शकों इस वक्त हमारे समक्ष है जय माता दी कैटरर्स व मंडप डेकोरेशन विचार केंद्र के संचालक श्री मनीष तिवारी। तिवारी जी हमारे चैनल में आपका स्वागत। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपका कैटरर्स का जो बिजनेस है, तो आप ये बताइए किस तरह के आपके बिजनेस में एक स्पेशलिटी है, उस बारे में थोड़ा आप बताइए क्या स्पेशल है आपके बिजनेस। जी आप ये बताइए कि आपका जो कैटरर्स का जो बिजनेस है, ये बिजनेस किस प्रकार से आप मतलब कहाँ कहाँ आप ये बिजनेस करते हो, आपके कौन से लोकेलिटी में चलता है, उस बारे में बताइए। हमारा बिजनेस ज्यादातर MIDC में और सिटी में भी जाते हैं, और जरूरत पड़ी तो बाहर का भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि बाहर का नहीं लेते हैं, और बढ़िया चल रहा है, अच्छा है काफी। आपका जो कैटरर्स का जो बिजनेस है, इसके अलावा ये भी देखा कि आपका डेकोरेशन में भी काफी महारत आपको हासिल है। हाँ, मंडप है, डेकोरेशन है, मंडप डेकोरेशन में आप बताइए कौन कौन से फंक्शन को आप ज्यादा करके लेते हो, ऑर्डर लेते हो। अपन शादी है, बर्थडे पार्टी है, ये अटेंड ज्यादा करते हैं। तो जैसे कि आप ऑर्डर लेते हो, तो आप ये बताइए किस तरह की क्वालिटी, फूड की जो क्वालिटी जो रहती है, कौन सी क्वालिटी आप यूज करते हैं? अपन बेस्ट क्वालिटी देते हैं, बाकी का अपन छोड़ देते हैं, अपन उसमें जाते नहीं। इसके अलावा देखा गया है कि काफी जो कॉलेज के जो प्रोफेसर है, जो ऑफिसर्स है, और अपना जैसे MIDC हो गया, बुटी बोरी हो गया, वहाँ पे भी आपकी कैटरिंग सर्विसेज की काफी प्रशंसा हो रही है। जी काफी है। हाँ, तो आप ये बताइए कि आगे चल के आपको ऐसा कॉर्पोरेट सेक्टर से बल्क ऑर्डर मिलता है, जी, तो कैसे किस तरह से वो निपटा हो गया? अपनी टीम है, अपन टीम के भरोसे काम करते हैं और लेके चलते हैं टीम को। हाँ, कैटर्स की मेरी टीम है, अपन टीम को लेके चलते हैं और अच्छे से अच्छे प्रोग्राम निपटाते हैं, अच्छे करते हैं। आपके कैटर्स टीम में कितने अनुभवी कैटरर होते हैं? टीम देखिए, जहाँ जैसा ऑर्डर रहा, छोटा बड़ा, उसके हिसाब से अपन टीम रखते हैं और बुलाते हैं। वैसा अगर जरूरत पड़ी तो 200 लोग भी हैं, कार्यकर्ता जो है तो 200 भी हैं, जहाँ जरूरत है तो 50 है, 25 है, 10 है, जहाँ जैसा काम पड़ता है वहाँ वैसा बुलाते हैं। शहर के अलग अलग हिस्सों में भी आपके सर्विसेज लोगों ने ली हुई है कैटरिंग की, जी, और खाने का जो स्वाद भी देखा गया काफी बेस्ट रहा हुआ है, जी। तो आप ये बताइए क्वालिटी जो आप सही यूज करते हैं, या टेस्ट कैसे मेंटेन करते हैं, उस बारे में बताइए। टेस्ट वही पार्टी के ऊपर में है, जो पार्टी को चाहिए टेस्ट वो अपन टेस्ट देते, जैसे महाराष्ट्रियन है, मारवाड़ी है, गुजराती है, हर किस्म के मतलब लोग हैं। यानी कितने प्रकार के आप लोग व्यंजन बनाते हैं? नहीं, अपने हैं 8-10 प्रकार के हैं, जैसे राजस्थानियों का अलग हो गया, महाराष्ट्रियन अलग हो गया, हिंदी साइडरों का अलग हो गया, सबका अलग अलग टेस्ट होता है, अलग अलग अपन मेंटेन करते हैं। आगे चल के वेडिंग सीजन है, वैवाहिक कार्यक्रम रहते हैं, जी, तो किस तरह के ऑर्डर के आप लोग उम्मीद करते हैं? अपन यही सोचते हैं कि अपने को अच्छा अपन करेंगे और अच्छा अपने को मिलेगा, अच्छा चलाएंगे। तो जैसे अभी शहर के बाहर भी यदि आपको कैटरिंग को ऑर्डर आते हैं, जी, तो वे भी आप करते हैं? जी करते ना, अभी बॉम्बे गया था, पूना भी जाके आया, गोवा का भी ऑर्डर था, करके आए। तो दूर दूर के, दूर दराज के आप ऑर्डर? जी जी। तो आप ये बताइए कि जैसे अभी कॉर्पोरेट सेक्टर में तो आप काम करते हो, जी, जो भी ऑर्डर आते हैं, जैसे कोई ऑफिशियल आपको मिलता है ऑर्डर, जैसे कोई बड़े ऑफिस का बिग ऑर्डर आता है, जी, तो कैसे आप उसको निपटाते? जी अभी मैंने सिविल लाइन अपना CP ऑफिस है, वहाँ का भी कार्यक्रम मैंने अभी किया हूँ, मोदी जी आए थे वहाँ भी, अभी 6,000 लोगों को खाना दिया। उसके पहले अपना अभी SNL ऑफिस में कार्यक्रम चला, पुलिस लाइन टाकली में अभी पुलिस वालों को जो गेम मतलब चला, अभी खेल चल रही थी उसमें भी अपन 8-10 दिन का प्रोग्राम अटेंड किए, वहां भी 4,000-5,000 रोज के रहते थे लोग। तो अपन अच्छे से अच्छे करते हैं और करके देते हैं। आप भी कैटरिंग एसोसिएशन से जुड़े हो? जी कैटरिंग करते हैं। तो शहरों विदर्भ के जो दर्शक है, मनीष तिवारी जी जो कि जय माता दी कैटरर्स के संचालक हुआ, जी, आपको हमारे दर्शक लाइव देख रहे हैं, जी, इवन आपको ऑफिस का फोन नंबर और एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उसे देख के हमारे जो ऑफिस के जो लोग हैं, जो भी इंडस्ट्रियल लोग हैं, MIDC बूटी बोरी वाले जो है, वे लाइव देख रहे हैं, उसको देख के आपसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं कैटरिंग के काम के लिए और डेकोरेशन के काम के लिए, किसी का कोई कार्यक्रम हो जी। तो
तो आगे चलते चलते आप तिवारी जी ये बताइए कि ज्यादा से ज्यादा आपकी जो कैटरिंग सर्विसेज है जो काफी फेमस है उसका लोगों ने उपयोग लेना चाहिए, लाभ लेना चाहिए, तो आपका एक जनमानस में क्या एक मैसेज रहेगा? करने के बाद खुद ही अनुभव हो जाएगा उनको कि क्या है, अपन क्या किए क्या नहीं किए, और अपनी अपनी अच्छाई अपने से बताना बोले तो अच्छी बात नहीं है, दूसरे के मुंह से सुनना अच्छी बात है। तो दर्शकों ये थे मनीष तिवारी जी जो कि बेहतरीन कैटरर्स हैं, जय माता दी कैटरर्स इनका प्रतिष्ठान है और ये एक से एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं और कई तरह के गवर्नमेंट ऑफिस से लेके इंडस्ट्रियल में हर जगह इनका काम का अनुभव है और हमेशा क्वालिटी मेंटेन करते हैं, क्वालिटी क्वांटिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, ग्राहकों के जो ऑर्डर रहते हैं ऑर्डर के हिसाब से वे ऑर्डर लेते हैं उसको परफॉर्म करते हैं। और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया, आपने अपने चैनल्स के आपने अपने कैटरर्स के बारे में बताया, उसके लिए सर आपका धन्यवाद। थैंक यू।